तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन का पहला टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसको हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बारे में देखेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है बायोलॉजी में या फिर जीव विज्ञान में, तो वन बाई वन हम देखेंगे। पहले देखते हैं बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन कि बायोलॉजी होती क्या है। तो ये ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है लिविंग बींग्स के साथ। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद लिविंग बींग, ठीक है। लिविंग बींग का मतलब हो गया जो कि सजीव होते हैं, जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, जैसे जीव जंतु, जैसे हम लोग हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, वो सारे लिविंग बींग में आते हैं, यानी सजीव वस्तुओं में आती हैं। तो उसकी साइंस के साथ, मतलब उन ऑर्गेनिज्म, उन जीवों की साइंस के साथ जो ब्रांच डील करेगी, उस ब्रांच को हम बोल देते हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी ये एक वर्ड है बायोस, और एक वर्ड है लोगोस, ठीक है। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं, किसकी, लिविंग बींग, जो भी जितनी ज़िंदा चीज़ें हैं उनकी स्टडी करते हैं हम बायोलॉजी के अंडर, ठीक है। अब देखते हैं कि फादर कौन थे बायोलॉजी के। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, एरिस्टोटल फादर थे बायोलॉजी के, ठीक है। और इनको हिंदी में बोला जाता है अरस्तु, अरस्तु। एंड बायोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान। ये हो गई बात बायोलॉजी की। अब इसकी आगे दो ब्रांचेज आती हैं, मेन ब्रांचेज, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। बायोलॉजी की आगे मेन दो ब्रांचेज हैं, एक है जूलॉजी एंड एक है बॉटनी। तो पहले हम बात करेंगे जूलॉजी की। तो जूलॉजी ये ऐसी ब्रांच है, मतलब इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं इंक्लूडिंग अस, जैसे कि हम लोग हैं, और जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी जो स्टडी करनी हो, उनका अध्ययन करना हो, तो उसको हम बोल देते हैं जूलॉजी। या फिर उनकी जब हमने स्टडी करनी हो जीव जंतुओं की, तो वो जूलॉजी के अंडर करते हैं, ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, जितने भी अलग अलग पहलू होते हैं एनिमल्स के, उनकी स्टडी करते हैं हम अंडर जूलॉजी, ठीक है। और अब बात करेंगे बॉटनी की। तो बॉटनी में हम डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हमारे पास पेड़ पौधे होंगे, तो उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, उनके डिफरेंट पहलुओं को हम स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं बॉटनी के अंडर, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये बात हो गई बॉटनी और जूलॉजी की। अब फादर कौन है जूलॉजी के। जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल यानी अरस्तु ही हैं, एंड बॉटनी के फादर, फादर ऑफ बॉटनी, उनका नाम है थियोफिस, थियो फ्रेस, ये हैं बॉटनी के फादर। अब ये रही इंट्रोडक्शन बायोलॉजी की, जिसमें हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है और मेन ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं।
अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो कि कंसर्न करती हैं आपकी बायोलॉजी के साथ। जैसे हमने बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी की, जूलॉजी में हमने डिफरेंट एनिमल्स मतलब जीव जंतुओं की स्टडी की, ठीक है। जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतुशास्त्र बोल दिया जाता है, और बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ये रहता है हिंदी में मतलब। अब ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ हैं जो कि बायोलॉजी के अंडर आती हैं, तो वन बाय वन हम देखेंगे। सो फर्स्ट टर्म आती है एनाटॉमी या फिर एनाटॉमी। एनाटॉमी ये स्टडी होती है जब हम किसी भी या तो जीव जंतु ले लें हम, या फिर हम पेड़ पौधे ले लें, प्लांट्स या फिर एनिमल, जब हमने उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब अंदर का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो भी आंतरिक संरचना है, उसको स्टडी करना हो, ठीक है, तो उस ब्रांच को बोल देते हैं हम एनाटॉमी। सो सिंपल टर्म्स में स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं एंड एनिमल्स भी आ जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम एनाटॉमी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सॉइल की, ठीक है, मिट्टी की, कि किस मिट्टी के थ्रू जो है वो किसी फसल की कोई क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो मतलब ये डील करती है स्पेशली उस मतलब स्पेशली सॉइल से या फिर मिट्टी से जो कि प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है क्रॉप की या फिर फसल की, ठीक है। एग्रोलॉजी है सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विद प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्म जो कि है एग्रोनॉमी। तो ये भी सॉइल से ही रिलेटेड है, बट इसमें हम सॉइल के मैनेजमेंट को देखते हैं, ठीक है। ये ऐसी ब्रांच है साइंस की जिससे हम सॉइल की मैनेजमेंट, जैसे टाइप देख लेंगे, कैरेक्टर कैसा है सॉइल का, क्वालिटी कैसी है सॉइल की, उस चीज़ को देखेंगे, तो उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है एग्रोनॉमी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। For production of crop. So next term आती है हमारे पास agroecology। इसमें हम study करते हैं grasses की, घास वगैरह की study की जाती है, उसे हम बोल देते हैं agroecology, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट आती है हमारे पास टर्म, दैट इज आर्थ्रोलॉजी। इसमें हम जॉइंट्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब है जहाँ पे हड्डी, एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जुड़ती है। तो जैसे मान लो कि ये एक हड्डी है और ये इस हड्डी के साथ यहाँ जुड़ रही है, तो ये जॉइंट है, तो इसकी स्टडी को बोल दिया जाता है आर्थ्रोलॉजी। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, दैट इज एपिकल्चर। तो एपिकल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम
जो भी पालन पोषण किया जाता है हनी बी का, मधुमक्खियों का, हनी बनाने के लिए, शहद बनाने के लिए, ठीक है, उस कल्चर को बोल देते हैं हम एपीकल्चर। इसमें हम करते हैं रियरिंग। रियरिंग का मतलब होता है पालन पोषण ऑफ हनी बी फॉर हनी, शहद की प्रोडक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं हनी बीज को, तो उस टेक्निक, उस कल्चर को बोल दिया जाता है एपीकल्चर, ठीक है। उसके बाद आती है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इसमें हम स्टडी करते हैं फ्लावर की और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है जिन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, फूल लगते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, उस टर्म को बोल दिया जाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट आती है हमारे पास टर्म, दैट इज ब्रायोलॉजी। एक और टर्म है दैट इज एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी ये ऐसी ब्रांच है साइंस की और मेडिसिन की जिसमें हम स्टडी करते हैं जो भी प्रॉब्लम होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए, उस चीज़ की स्टडी जब हम करते हैं तो उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है एंड्रोलॉजी। तो उसमें आ जाएगा स्टडी ऑफ या फिर ब्रांच डील्स विद प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जो पुरुष प्रजनन तंत्र होता है उसमें अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो स्टडी की जाती है, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए जो स्टडी की जाती है, उसको बोला जाता है एंड्रोलॉजी। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास टर्म दैट इज ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी तो ब्रायोलॉजी के अंडर आते हैं ब्रायोफाइट्स, जो एक टाइप के प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है, और उनकी स्टडी जब की जाती है तो उसको बोल देते हैं ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है जी। अभी इसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की, ठीक है, जो कि कंसर्न करती है, जो कि रिलेट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे हमारे साथ जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उनके साथ रिलेट करती है ये, ठीक है, और उनकी स्टडी करती है, उनका अध्ययन करती है सूक्ष्म स्तर पर, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पे, मतलब छोटी से छोटी बारीकी से बारीकी चीज़ जो है वो स्टडी की जाती है अंडर बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की, वी कंसर्न्ड विद स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट आती है हमारे पास टर्म दैट इज बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनका नाम से ही पता लग जाता है तो आसानी हो जाती है समझने में, जैसे कि आ रहा है यहाँ पे बैक्टीरिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया की, स्टडी ऑफ
बैक्टीरिया, उसे बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट आती है हमारे पास टर्म साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, अभी हमें पता है कि हमारी बॉडी में, हम मानव शरीर में जो है, या फिर जितने भी हमारे पास सजीव वस्तुएं होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, उनकी बेसिक यूनिट जो होती है, मतलब सबसे छोटी इकाई जो होती है सजीव या फिर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की, वो होती है सेल या फिर कोशिका, ठीक है। तो उसकी स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ सेल। नेक्स्ट आता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी रिलेट करती है, जिसमें हम हार्ट की, हृदय की स्टडी करते हैं, ठीक है, हृदय या फिर हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट, दैट इज कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट आता है काइरोपॉडी, काइरो या फिर चाइरो पॉडी। ये स्टडी होती है जब हमने फीट वगैरह की स्टडी करते हैं, हम पैरों की स्टडी करते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के, जैसे डिफरेंट एनिमल्स के कर लिए, ज़रूरी नहीं है कि आदमी जो मानव हैं उन्हीं के करने हैं, जैसे पक्षी हो गए, पशु हो गए, तो उनके पैरों की जो स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है काइरोपॉडी, द स्टडी ऑफ फीट। नेक्स्ट आती है हमारे पास टर्म, दैट इज डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न ये एक क्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट होती है, मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी, आयन की मूवमेंट होगी, या फिर गैसेस की मूवमेंट होगी, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। एग्जांपल, जैसे कि आप एक कमरे में परफ्यूम लगाते हो तो वो फैल जाती है खुशबू, ठीक है, कमरे के एक कोने में आप परफ्यूम लगा रहे हो तो वो दूसरे कोने तक जो है वो खुशबू फैल जाती है, तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं हम डिफ्यूज़न, ठीक है। और हिंदी में इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रसार, ठीक है, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी, जैसे अब कोई किचन में खाना बना रहा हो तो किचन में जो है वो कंसंट्रेशन हाई होगी उस खुशबू की, ठीक है, और खुशबू हमें काफ़ी दूर तक पहुंचती है, तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं प्रसार, जहाँ पे मॉलिक्यूल, आयन या फिर गैसेस की मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट हो गई कहाँ से कहाँ तक, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो उस प्रोसेस को बोल दिया हमने डिफ्यूज़न। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, दैट इज़ डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्किन की, स्टडी ऑफ स्किन, और जो स्किन की स्टडी करते हैं, जैसे स्किन वाले डॉक्टर होते हैं, उनको बोल देते हैं हम डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि स्किन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें हम स्टडी करते हैं, इसमें हम काउंट करेंगे, जैसे कोई भी पेड़ होगा ना, तो पेड़ को जैसे कट करते हैं, तो उसके ऊपर, जैसे मान लो कि ये कोई पेड़ है तो यहाँ से कट कर दिया, इसके अंदर जो है वो ऐसे ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये रिंग्स को काउंट करके हम पता लगाते हैं कि पेड़ की उम्र कितनी है, ठीक है, तो उस स्टडी को बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, दिस काउंटिंग ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री टू नो इट्स एज। यहाँ से हम
पेड़ की उम्र का पता लगा सकते हैं, ये जो भी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं गोल गोल सर्कुलर सी पेड़ में, ठीक है। तो उस वहाँ से पता लग जाता है हमें कि पेड़ कितने साल का है, कितना साल पुराना है, ठीक है। उस स्टडी को बोल देते हैं हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी तो इसमें हम स्टडी करते हैं इंटर रिलेशनशिप जो भी लिविंग और इन्वायरमेंट, मतलब कि आपसी संबंध के बारे में डिस्कस करते हैं हम, मतलब आपसी संबंध के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो कि सराउंडिंग है, जो वातावरण है हमारा, ठीक है, उसके साथ हमारे कैसे संबंध हैं। तो इस संबंध, मतलब जो लिविंग होते हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो भी जिंदा हैं, उनका कैसा संबंध है इन्वायरमेंट के साथ, उनका कैसा रिलेशनशिप है लिविंग बींग्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ, तो उस चीज़ की स्टडी को बोल देते हैं हम इकोलॉजी। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट्स। उस टर्म को बोला जाता है या फिर उस स्टडी को बोल दिया जाता है इकोलॉजी। अभी नेक्स्ट आती है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है विकास, ठीक है। तो जैसे हमारी लाइफ का ओरिजिन हुआ है, हम लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, तो हमारे जो पहले जितने भी, जैसे सबसे पुराने बोला जाता है कि डायनासोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनका ओरिजिन भी हुआ है। अब हमारा ओरिजिन जो हुआ है वो मंकीज से हुआ है, तो मंकीज पहले मंकीज थे, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे जो है वो आदमी में कन्वर्ट हुए। तो वो जो ओरिजिन होगा, जो चेंजेस आएंगे, जो विकास होगा, ठीक है, जहाँ से न्यू स्पीसीज पैदा होंगी, कोई न्यू स्पीसीज बनेंगी, नई प्रजातियाँ बनेंगी, तो उस स्टडी को बोला जाता है इवोल्यूशन, जहाँ पे न्यू स्पीशीज, नई प्रजातियों का निर्माण होता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नेक्स्ट है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है एग की, ठीक है, एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, अगर हिंदी में बोलें तो निषेचन, ठीक है, जब निषेचन प्रक्रिया होती है, ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो फर्टिलाइजेशन है, जब एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है और जायगोट बनाता है, ठीक है, तो उसके बाद डेवलपमेंट होती है एम्ब्रॉय की, मतलब भ्रूण की, तो उसकी स्टडी को बोल देते हैं हम एम्ब्रायोलॉजी, या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो जिसकी हम स्टडी करते हैं उसे बोल देते हैं एम्ब्रायोलॉजी। और स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। एग जो है वो फर्टिलाइज होके फॉर्म करेगा जायगोट, और जो कि बाद में डेवलपमेंट करेगा एम्ब्रॉय की, यानी भ्रूण की, तो उस इस स्टडी को बोल देते हैं हम एम्ब्रायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आती है टर्म हमारे पास, दैट इज एंटोमोलॉजी। तो ये स्टडी है जिसमें हम इंसेक्ट्स, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी स्टडी को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। सो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स
जो कि बायोलॉजी के अंडर आती हैं, बायोलॉजी से रिलेट करती हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के साथ हम आएंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेट करेंगे बायोलॉजी के साथ, जो कि हेल्पफुल होती हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती हैं बायोलॉजी की ब्रांच में, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।